कि बुनकरों का अगर काम हुआ है, सरकार कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार चल रही थी और उस वक्त का कांग्रेस का एमएलए मालेगांव से शेख रशीद था। ₹10 से लेके 50% की छूट। लेकिन कभी 30 साल में मैंने देखा तो नहीं कि बुनकरों को सरकार की ओर से कोई फायदा मिला। मंदी बढ़ी, तेजी बढ़ी, तेजी आई, मंदी आई, है ना, ज्ञान का भाव कम हुआ, ज्यादा हुआ। अगर ज्ञान का भाव ज्यादा है तो कपड़े का भाव गिर जाता। लेकिन बुनकरों का नुमाइंदा होने के बाद बुनकरों को यहां अहमद साहब से कोई फायदा लाभ नहीं हुआ था हमारे पक्ष। बहरहाल बुनकर और मजदूरों का खिलवाड़ जरूर उनके टाइम पर हुआ था, 1972 में तैयारी। उसके बाद में जब मैं आमदार हो गया तो उसके बाद में कई मामला हाउस के अंदर बैठ के समझता था, देखता था। पहले वर्ष के अंदर जब देखा या हर वक्त तो हमारे शेतकरी बांधों का, शेतकरी भाइयों का विषय हाउस में आया था और हमेशा शेतकरी भाइयों को फायदा मिलता भी रहा, मिलता भी है, मिलना भी चाहिए। क्योंकि सही बात सही बोले तो, शेतकरी बोले तो हमारे देश की जान है, जैसे बोलते हैं ना, जय जवान जय किसान। ऐसे ही दूसरे नंबर पे हमारी सनत है हिंदुस्तान भर के अंदर। तो उस टाइम थोड़ा हालात मालेगांव शहर के खराब चल रहे थे और बुनकर बिरादरी के ऊपर महाराष्ट्र के अंदर बैठे सिर्फ मालेगांव नहीं, भिवंडी, इचलकरंजी, कामठी, पुरिया शहरों के अंदर मंदी होने के वजह और साथ साथ में बिजली का बिल बहुत थकबाकी हो गया था, जिसकी वजह से कई कारखाने मालेगांव शहर के अंदर बंद कर गए। तो मैंने उस वक्त के रशीद कायर मोमिन हमारे भिवंडी के एमएलए थे, कांग्रेस के मेरे साथ में मैं था, इचलकरंजी से प्रकाश आवाड़े थे, इसी तरीके से कामठी की एक बहन थी, बहुत समाज की जो एमएलए थी, मंत्री भी रही और भूलिए के अंदर तरीके से मैंने सबसे बात किया और रशीद कायर मोमिन से बात करने के बाद बोले कि अपने को शेतकरी भाइयों को तो मिलना भी चाहिए और हमेशा मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा, ये हमारी कुछ चाहत है। लेकिन क्यों नहीं साथ में बनकर भी उसका फायदा मिला, जो हमेशा मन तेजी चलते चलते मंदी आ जाती है और उसका लॉस होता है, और खाली उसका लॉस खाली बुनकरों को नहीं, साथ में मजदूरों को भी होता है। और जहां पे प्रॉब्लम चलते हैं वहां पे वो पूरा पूरा शहर, पूरा पूरा कारोबार और उनसे जुड़ा हुआ है। इसलिए हमने जब विमान सरकार के पास दे और विधानसभा जी से बात करने के बाद हमने हाउस के अंदर उस मुद्दे को उठाया, साथ साथ के बाहर हमने विधानसभा के गेट के ऊपर बैठक ऊपर बैठ के धरना आंदोलन खड़ा वगैरह के लिए बैठे और जहां शेतकरी भाइयों का विषय चल रहा था वहीं पर विलासराव जी ने हमारे उस वक्त मुख्यमंत्री, उन्होंने उसके अंदर दिलदारी दिखाई। और जब भी कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार थी और दिगर कोई छोटी छोटी पार्टियां साथ में जब भी थी सरकार में, उसका फायदा यह हुआ कि अगर शेतकरी को पूरे महाराष्ट्र के अंदर 200 करोड़ रुपया माफ हुआ तो बुनकरों को 210 करोड़ रुपया माफ महाराष्ट्र, जिसमें से मालेगांव का हिस्सा बिजली बिल का मालेगांव के बुनकर भाइयों का, 56
एक वो चीज फायदा मिला है, एक संजीवनी स्कीम का जब से फायदा मिल रहा है वहीं से लेकर आज तक जो सब्सिडी मिल रही है वो भी फायदा उसी वही सरकार के तो मिला। बाद में जब 27 एचपी का दोबारा मसला खड़ा हुआ तो सेकंड सरकार के वक्त तो वो भी हमने बोलकर भी तंजीम मालेगांव शहर से मुंबई आया करती थी, आमदार निवास में रुका करती थी या नहीं रुका करती थी, लेकिन मेरे साथ जाकर के वहां मैंने मंत्रालय लिया करके कर करके बातचीत कर करके कर 27 एचपी का मसला सबका हल करवाया। आज फिर वो मसला उठ खड़ा हुआ, असल में मैंने तो जब नगर अध्यक्ष था उस वक्त तो ही यूपी सरकार थी जब 1 रुपया 25 पैसा भरा था, 1 रुपया 25 पैसा लोगों की हमारे खुलकर बिरादरी की और मालेगांव की एक्शन कमेटी से लेके जितनी भी तंजीमें थी उनकी डिमांड थी। तो उस वक्त तो जब मुंडे साहब से मुलाकात करवाया और उसी के बेस के ऊपर जब 1 रुपया 25 पैसा यूनिट हो गया था जब मुंडे साहब मालेगांव तस्वीर लाने वाले थे, तो उस तालुक से मुंडे साहब मालेगांव में आ रहे क्योंकि ऊर्जा मंत्री भी उस वक्त वो थे, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और ऊर्जा मंत्री खाता भी उनके तरफ। मेरा बोलने का मतलब यूं तो जितने भी लीडर है सब बुनकरों के लीडर बनते हैं, काम बुनकरों का कोई नहीं करता, और इसलिए बताना चाहता था कि बुनकरों का अगर काम हुआ है तो कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार ने ही 99 से लेकर के वो 10 वर्षों के अंदर किया और आज तक उसका फायदा मालेगांव, भिवंडी, इचलकरंजी, शोलापुर, कामठी ऐसे शहरों को बोलियों को मिल रहा है। मंदिर तेजी आते रहते, कुछ हालात इधर उधर होते रहते, लेकिन खास तौर से कुछ तंजीमें ऐसी है कि अपनी दुकान अलग अलग चला। आप उसके अंदर सिर्फ अपना फायदा अपना नफा सोचते हैं, वो जो कारीगर है वीवर्स है उनका ख्याल नहीं। इनका मतलब आया तंजीमों के ऊपर दबाव डाल के, बुनकरों पर दबाव डाल के कारोबार बंद कर देते, 3 दिन चलाएंगे 4 दिन चलाएंगे 2 दिन चलाएंगे। इनका फायदा वो तो यही कर कानून भी तोड़ देते। इस तरीके की तंजीम चलाने वाले कुछ तंजीमें मालेगांव शहर के अंदर है, लेकिन वो मजदूरों का नहीं सोचते, व्यूअर का नहीं सोचते। आज भी कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की सरकार, अकरम शेख कांग्रेस के कोठे के मंत्री है, वस्त्र उद्योग मंत्री है, ठीक है, एक टाइम आजी अंदर जाकर के आए, एक माजी अंदर जाकर के आए, इंशाल्लाह ये 2 दिन का अधिवेशन खत्म हो जाएगा, मैं वक्त लूंगा अकरम शेख से। मैं ये नहीं बोलूंगा किसी की पैतरी चढ़ने की बात और उतरने की बात है ना, क्योंकि आसिफ भाई अभी यंग लीडर है, उनकी आपकी भी सही बात है, 56 पैतरी है आपकी, कोई अगर 43 बोल रहा हूँ मुझे नहीं मालूम, मेरे मालूम बात के 56 है, पैतरी 56 है, 43 हो। मैं तो तुम राष्ट्रवादी की आपकी में कैसे जा सकता है ना, ये सब मैं सुन रहा हूँ। अगर कोई बात है और अगर कोई भूलकर अगर समझे 43-45 अगर छेड़ के चला ठीक है तो क्या बुरी बात है ना, नुमाइंदा है तुम्हारा और नुमाइंदे के पास जाकर के अपनी बातों को रखने की जवाबदारी रहती है ना। तो कोई ऐसी बात नहीं है, कभी 43-45 का कोई सवाल नहीं है, आखिर बुनकरों का शहर है, बुनकर हमारे ही लोग हैं,
मजदूर भी हमारे ही लोग हैं, व्यूअर्स भी हमारे ही लोग हैं, ये शहर हमारा है। ये जो यहाँ की सनत है उसके वजह से मालेगांव फोकस में रहता है, मालेगांव की पहचान उससे बनी हुई है। तो मेरे अपने लोग हैं, मैंने कभी ये देखा नहीं कि अगर मेरे बुनकर भाइयों का काम अगर मेरे जरिए अगर हो गया तो मेरा इन्होंने बहुत बड़ा सत्कार रखना चाहिए था, नहीं रखा गया। उसकी मुझे परवरी में मेरा दिल इसमें मुतमईन है। ये उस वक्तों के अंदर है ना ऐसा स्वागत होना था, है ना। लेकिन बोलते ना काम निकला तेरा तो तू कौन मेरा, मेरा हैरानी जबान में। ऐसे भी लोग हैं हमारे वहां, और जो समझदार अच्छे सूझबूझ वाले अच्छे कारोबारी जो बनकर है उनको ऐसी समझते तो तंजीमों ने किया भी होगा। लेकिन मैंने क्या बोला बड़ा है ना, तो कोई बात नहीं, मेरी जिम्मेदारी तो उस वक्त मैं नुमाइंदा था उस वक्त, और नुमाइंदगी बोले तो आमदार रहे तो ही निभा सकता आदमी ऐसा। अरे कार्यकर्ता बनकर के भी नुमाइंदगी हो सकती है, और आगे भी इंशाल्लाह इसको मैं निभाने की कोशिश करूंगा। मैं कुछ लोगों की बाइक देखो क्या बोलते बाइक क्या बोलते देखा, किसी ने बोला कि उधर को रहने वाले नहाने वाले सब हयात थे, तो ये एक्शन कमेटी को उन्होंने बोला था कि अगर एक्शन कमेटी मुझे बोलेगी बैठ जा तो बैठ जाओ, खड़े रहे तो खड़े रहो, तो बच्चे को मालूम ही नहीं है क्या सच है क्या झूठ है। क्या न्यायालय मत कभी ये बात बोल सकते थे, कोई नहीं मानती तो कोई मानी नहीं कि ना मैं मानी। एक दूसरा ये हजरत जो है तुमको तो समझते हैं कि काम करना जो अभी है मेरे, है ना। मैं सुना वो कंपाउंड वाला भैया को ले होगा, उन्होंने शायद बोला कि मुफ्ती साहब के साथ गए थे सर, रामदास साहब के साथ अख्तर से तो बोले सर वहां जाने के बाद इनके साथ गए तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। दादा भूसे की बाद में जब दादा भूसे के साथ गए तो रिस्पॉन्स मिला, तो मेरा वो बात समझ में नहीं आती। इसके लिए मैं बोला कि आज के आमदार साहब को काम करना ना तो पहले से बोलता हूँ, इसको आता ही नहीं तो उनके जरिए रिस्पॉन्स नहीं मिला, है ना। तो जब मैंने यहाँ के बुनकरों के लिए आवाज मेरे वक्तों के अंदर उठाई थी, और भिवंडी के रचित टायर मोबिल प्रकाश अवाड़े इस तरीके से जो कांटी वगैरह की बहन थी एमएलए मंत्री थी उस वक्त, उस वक्त जब हमने मिलकर आवाज उठाया था, है ना, सरकार में हम है तो सरकार में जाके बात करेंगे, और जरूर मैं तो इनके आने की जरूरत महसूस नहीं करूंगा। बुनकर खाली पावर रूम के कारखानेदार बुनकर है ऐसा नहीं, मैं तो कपड़ा बीनने वाला बुनकर हूँ, इसके लिए मुझे इसकी जरूरत है, समझिए मेरा शहर नहीं। बुनकर भी मेरे हैं, मजदूर भी मेरे हैं, युवक भी मेरे हैं, शहर का हर गरीब अमीर मेरा है, मेरी जिम्मेदारी अभी हयात हूँ, काम करते रहोगे जब तक ही होगा। कहाँ है कभी से कहा अखबार वाले तो खुद लिखते हैं मास्टर नुमाइंदगी की जरूरत है, तो बोलो और दीवान में मास्टर पाँच साल जो है पहले ढाई साल आपके और अभी मैडम के शिवसेना के साथ में आपका इत्तेहाद रहा, तब आखिरी मैं साल नहीं नहीं अभी अभी जो है कारपोरेशन कारपोरेशन पालिका और कारपोरेशन में 25 साल से हमारा इत्तेहाद रहा है। शिवसेना के साथ में जो इत्तेहाद आपका अभी रहा, तो इसके अंदर आपको ऐसा आखिरी में ऐसा लग रहा कि शिवसेना ज्यादा कुछ काम लेके चले जा रही है यार, बोझ बनती जा रही है, ऐसा ऐसा आपको लग रहा? मुझे नहीं लगा ऐसा, अपोजिशन के लोग को मालेगांव के लोग को लगा, मुझे नहीं लगा, क्योंकि काम ज्यादातर उस तरफ हो रहे इस तरफ नहीं हो रहे, इल्जाम लगाया जा रहा है ऐसा काम इस तरफ हो रहे उस तरफ लगाने वाले में बोला ना अपोजिशन को तकलीफ हो रही है। हम तो आवाज देते ना इलेक्शन होने के बाद, यू आर वेलकम, बैठ के बात करो, नहीं तो मेरा पूछने का मतलब सरकार बनाओ, तकलीफ मुझे नहीं है, तकलीफ अपोजिशन की हो रही, जब हम बुलाते तो आते क्यों नहीं, जब ये मालेगांव शहर का ख्याल क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता सपोर्ट में, क्यों नहीं आते जब ये बात क्यों नहीं होती, जब तो यहूदी दिख रहा था कांग्रेस क्या
तो फिर अगर शिवसेना के साथ अगर वो जाके बना रहे, वो बुला रहे शिवसेना को, उन्होंने पीछे 2.5 साल के अंदर बीजेपी की वोट नहीं लिए क्या? नहीं लिए क्या? बोलो ना। अरे बीजेपी की लिए ना, नो वोट 2.5 साल पहले। देखो बात ऐसा है कि अगर वो काम के लिए सपोर्ट के लिए अगर कोई शहर के सेकुलर पार्टी अगर नहीं आती और अगर कोई पार्टी मेरे साथ आती है और मैं हिंदू मुस्लिम इतना कायम मालेगांव क्षेत्र में रखना चाहता हूँ, सबको वेलकम करता हूँ, और अगर कोई ये बोलता है कि उधर काम ज्यादा हो तो बताओ, चलो मेरे साथ घूमो, मैं बता दूंगा कितने काम हुए हैं। और क्या उनका अधिकार नहीं है क्या? क्या वो 35% 30% हमारे हिस्सा नहीं है क्या कारपोरेशन का? यानी इसका मतलब हिंदू मुस्लिम की बात आ रही ना अपोजिशन की तरफ से, जरूर भाई है ना? और यहाँ तो काम हो रहे ना, कितने काम गिनाओ, सब पत्रकारों को लेके चलो, 2 दिन में घुमाता हूँ गाँव, सब हमारे इलाके, हमारे कारपोरेटर के इलाके और ये अपोजिशन के इलाकों के तरफ बंद दिए वो भी बताता हूँ, काम हो रहा है यहाँ। अभी क्या दिखते रहे आग्रह भर रहा था, ये अल्लाह के बंदे हमारे आमदार साहब अगर सही में 10 करोड़ 5 करोड़ लेकर के आते तो आगे के हिस्से में तो लग जाता, आगे रोड पर उनका भी तो नाम आ जाता, आ जाता कि नहीं आएगा पैसा? तो बोलने का मतलब अगर आ जाता तो हो सकता उसका अगला हिस्सा जो है आगे रोड पर बन जाता। ये काम ही हो रहा, 13 करोड़ का अभी हो रहा, अभी बजट 2 दिन में रिलीज होगा, 14 करोड़ का फिर टेंडर निकलेगा, फिर वो आगे के आगे का रास्ता बनेगा, शहर के सब रास्ते बने, देखते जाओ तुम। हमारी तो कोशिश हो रही है 5.5 करोड़ नगर स्थान से आगे ना वो रास्ते बनेंगे, 10 करोड़ रुपए की मैं समझता हूँ कि जल्दी जल्दी हमारे को फाइल मंजूर होगी, मुझे लगता है वो भी आ जाएगी। तो कहने का मतलब बोलने से भी काम, देखो प्रकाश महोदय काम करने वाले ने बोलना, निगेटिव अगर कोई बात बोलता है कि कांग्रेस पार्टी और महापौर और शेख रशीद शिवसेना के दबाव में काम करता है, ऐसा बिल्कुल, मैं दादा भूसरे से सीनियर हूँ 5 साल, मुझे किसके दबाव में आने की जरूरत नहीं, सरकार का हिस्सा हूँ, दबाव में नहीं रहते हम। हाँ ठीक है, हमारे लोग हैं वो भी, उनको भी फंड देना पड़ता, उनके भी एरिया में लोग रहते, उनके उनके हमारे साथ में पार्टनरशिप है, ऐसी बात वहां भी काम होगा, युक्ता वहां पर नहीं रहता, अपोजिशन का इल्जाम है तो उधर युक्ता वहां पर नहीं रहता, अपोजिशन का है ना, बोल तो रहना मैं अपोजिशन तो इधर भी काम नहीं हो रहा। अरे कुछ तो है जी उनके पास, कुछ तो बोलन तो उनको, क्या वो सिर्फ इल्जाम तराशी फिर और क्या है? जी आमदार, आपने कहा साहब कि मैं बुनकर कपड़ा बुनने वाला बुनकर हूँ, आसिफ साहब अभी 2-3 रोज पहले बोले मैं बुनकर नहीं हूँ, वो नहीं है ना, मैं सही हूँ, उसको चलाना नहीं आता, कपड़ा पहनना नहीं आता, मुझे आता है रंगीन भी सफेद भी, हाँ सफेद चलाए काटा, अरे रंगीन भी चलाए ना, है ना, नवारी साड़ी बिना ना, मैं नादिर सेठ क्या चलाया हूँ, उन्नू सेठ क्या चलाया हूँ, समझा, सलाम सेठ क्या चला, बड़े का बच्चा के गेट के सामने सलाम के लिए है ना, चलाया ना जी, वकील अजी का रूम सीखा हूँ, अली सेठ के भाई के वहां जी, अभी कौन सी तायरा मस्जिद है, कौन सी है कहाँ पे, बजरंग बाड़ी वही जमीला मस्जिद, एक साथ जमीला मस्जिद, तो इसके लिए बोल रहा कि मैं बुनकर हूँ, बुनकर वही जो पीले कपड़ा अपने वहां भी बुनकर अगर गिनते हैं तो पहले वो कपड़ा बीनते थे फिर माला, मेहनत किए तरक्की किए कारखानेदार हो गए तो बुनकर ही है ना वो। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू में ऐसी कोई कोशिश हो सकती क्या कि आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में हम शिवसेना को अलग रखे, बीजेपी को अलग रखे और अपन यहाँ पे ये बना सके, हमारी ऊपर सरकार सेना कांग्रेस राष्ट्रवादी को, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आज इलेक्शन थोड़ी है, आज इलेक्शन थोड़ी है, कोशिश आज इलेक्शन थोड़ी है, अभी ये कोई भी फैसले कब होते हैं, जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद है ना, इलेक्शन हो सकता है कांग्रेस राष्ट्रवादी सेना मिल के इलेक्शन लड़े मालेगांव शहर में कारपोरेशन का, उनकी सरकार बनाई और सेकुलर पार्टी है, सेकुलर अगर कोई पार्टी यहाँ की आती भी छोटी बड़ी छोटी है सेकुलर,
भारतीय भी उनको रिस्पेक्ट तो करने के हम तो क्या है बीजेपी की दूसरी पहली बीजेपी की दूसरी पहली मालेगांव में एक ही मिशन अपोजिशन का दिखाई दे रहा है बस शेख रशीद खानदान को खत्म कर देना उनके इख्तदार खत्म कर देना सिवाय अल्लाह के कोई नहीं खत्म यही बुनियाद के बात से सिवाय अल्लाह के कोई नहीं खत्म कर सकता एक भूत बना दिए बस खत्म कर दो एक हो जाओ वो शेर नहीं है क्या बोलते हो ऐसी क्यों बताइए शुरू में आपने न्याय सेठ के बारे में बोले कि न्याय सेठ के दौर में कभी मजदूरों मुनकरों को कोई फायदा नहीं एक केस बता दो रिकॉर्ड तो आज ये बोलने की जरूरत क्यों पेश आई आप इसलिए आई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में है ना रत्नेश्वर कॉर्पोरेशन के कार्बोरेटर है ना क्या सेक्रेटरी है पार्टी का वो उन्होंने बोले नहीं बात उसको मालूम ही नहीं है ना मैं तो ये बोलते नहीं क्यों क्या करता था लिया था क्या ऐसा बोलते तो क्या मालूम है साहब मौजूदा सवाल मौजूदा आमदार साहब ने अभी कुछ दिनों पहले कहा कि मैं राशन दुकानों का खुद सर्वे करूंगा एक एक राशन दुकानों पर जाऊंगा तो इसके पीछे जिम्मेदारी हो क्या उनकी बात उनकी जिम्मेदारी हो अच्छी बात है काम उनका है करना चाहिए लेकिन अधिकारी को लेके जाना चाहिए मैं अकेले जाके इंदू परंतु करो और अधिकारी रहेगा।